तो अभी मैं एक डिलीवरी, ये बंद हो जाए पहले राजा, ये गेट बंद हो रहा है। तो अभी मैं एक डिलीवरी करके आया और एक बहुत बुरी खबर मिली है मेरे को, वो खबर दिखाता हूँ आपको, मतलब बोलने से नहीं पता लगेगा, देखो एक बार। ये महारानी, तो इन दिस वीडियो आई विल टेल यू द मेडिकल, धूप यार नीचे बैठ जाता हूँ, तो इन दिस वीडियो, अभी भी धूप आ रही है, तो इन दिस वीडियो आई विल टेल यू द मेडिकल सिस्टम इन ऑस्ट्रेलिया, कि अगर आप बीमार हो जाते हो या फिर भगवान ना करे कोई इमरजेंसी आ जाती है तो आपको उसके साथ कैसे हैंडल करना है, ठीक है। इंटरनेशनल स्टूडेंट रहे, क्योंकि जो लोग बड़े हैं भाई, जो लोग प्रो हैं, जिनके पास PR है, सिटीजन है, उनको तो पता है ज़्यादा, ठीक है। इंटरनेशनल स्टूडेंट स्टार्टिंग में घबराता है, उसको पहले से ही इंडिया अपनी कंट्री से थॉट होता है कि भगवान ना करे अगर कुछ हो जाए और मेरी दवाइयाँ काम ना करें तो मैंने क्या करना है सबसे पहले। तो इस वीडियो में आपको हेल्प होगी उससे रिलेटेड, और भी कांड हुए अपने साथ साइकिल को लेकर, एंड में वो पता लग जाएगा। और एक और चीज़ कि वीडियो में आपको मतलब लड़का थोड़ा अच्छा दिखेगा, ठीक है, पर अभी गंदा दिख रहा है क्योंकि बंद हो गई, क्योंकि दाढ़ी वगैरह मैंने काट ली, ठीक है, और थोड़ी सी फ्रेंच रखने की मैंने कोशिश करी है। यहाँ पे भी स्टबल बियर्ड छोड़ी है मैंने हल्की, ठीक है, और अगर मैं ऐसे दिखाऊँ तो बहुत गंदा लुक आ रहा है, मतलब ऐसे क्यों कर रहा हूँ, ऐसे करूँ तो बहुत बेकार लग रहा हूँ। तो टोपी ऐसे, हल्की सी हुडी, ठीक है, तो वीडियो चेक करो, हेल्प हो जाएगी थोड़ी, मैंने कहा बता दूँ। और वीडियो थोड़ी वो पहले शूट करी, छोड़ो ना। तो इन्होंने अपना घर खुद बनाया, ये छज्जा वज्जा खुद डाला हुआ है इन्होंने, और वहाँ पे वो पेंट कर रही है। मैं उसके मुँह के ऊपर पॉइंट नहीं करूँगा, काम कर रही है और अपनी सबकी प्राइवेसी होती है। और तो क्या कह रहा था, एक्चुअली भूल गया, सही में कुछ कह रहा था, ओए खून आ रहा। तो यहाँ ड्राइनेस हो रही थी, मैंने हल्का सा छील दिया और खून मेरे पे मत चढ़ा दियो भाई। तो वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ यू ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज योर बॉय तुषार बरेजा। तो अभी मैं जा रहा हूँ मेडिकल सेंटर, ठीक है, वहाँ पे क्या हुआ है, मेरे को कुछ हुआ नहीं है वैसे, पर थोड़ा मतलब रुको बैठ के बताता हूँ, पहले बैठ के सुन लो बात, इंपॉर्टेंट है। तो भैया इंपॉर्टेंट बात सुन लो, जब आप ऑस्ट्रेलिया आ रहे होते हो तब आपको एक बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट चीज चाहिए होती है, वो होता है मेडिकल इंश्योरेंस, ठीक है, किसका, अपना खुद का, एंड दैट इज एक्सपेंसिव, वो आता है करीबन 2-2.5 साल का 50,000 रुपए के करीब, मतलब $1,000 यू हैव टू पे इट, बिकॉज इट्स अ लीगल रिक्वायरमेंट। एंड वो होता क्यों है कि भाई बच्चे को अगर कुछ हो जाए, क्योंकि रुको पहले बात, जो PR होते हैं, जो सिटीजन होते हैं, उनका मेडिकेयर गवर्नमेंट करके देती है, ठीक है, मतलब अगर वो बीमार और कुछ भी हो रहा है तो उनका इलाज फ्री में होता है, गवर्नमेंट हैंडल करती है। और जो बच्चों के लिए होता है, जैसे हम इंटरनेशनल स्टूडेंट बच्चे हम आ रहे हैं, ठीक है, तो हमको मेडिकल इंश्योरेंस लेना होता है, क्योंकि वो जब है तभी वीजा का, मतलब समझ जाओ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जब आपके पास वो है उसके अंदर सारी चीजें कवर होती है, आपको बीमारी हो रही है, आप गिर गए, आपका कुछ एक्सीडेंट हो गया, भगवान ने कुछ हो गया गलती से, तो वो सारी चीजें कवर होंगी। और कई कई जगह क्या होता है, चार्जेस ले लेते हैं, जितनी भी सारी आपकी अमाउंट होती है प्रिस्क्रिप्शन की वो वापस आ जाती है, कैसे आप क्लेम कर सकते हो, कभी 60% आती है, 70%, और अगर आपको फ्री में कराना है तो उसके अंदर आप जाके चेक कर सकते हो। तो मतलब मेरे घर के पास वाला था, तो मैं वहां जा रहा हूं इंजेक्शन लगवाने के लिए, और इंजेक्शन किस चीज का है, फ्लू शॉट करके एक चीज होती है, क्योंकि सुबह बहुत भयंकर छींकें आती है, ठीक है, और मतलब दिमाग खराब हो जाता है। और वो आती क्यों है, आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, आप इधर आके, आप ऑस्ट्रेलिया आके इधर एनवायरमेंट में जल्दी एडजस्ट नहीं होते, और सर्दियां भयंकर हो रही है, तो जुकाम मेरे को तो रहता ही है, तो भाई मैंने कहा अपनी सेफ साइड पर रहो, इंजेक्शन लगवा लो, अपना 6 महीने साल बच जाएंगे। नॉर्मली मैं रास्ते से जा रहा होता हूँ, कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग दिख जाता है, मतलब जो पड़ा है घर जा सकते हो, आज चेयर पड़ी हुई है मस्ती, पर इसका मैं करूंगा क्या, इसको लेके कैसे घूमूंगा, और मैं घर चेंज करूंगा तो इसको मैं लेके कैसे जाऊंगा, छोड़ो फिर देख लेंगे, किसी ने नहीं उठाई तो उठा लेंगे, फ्री की है ना, नहीं लेनी है, अपने घर में है चेयर बहुत, तो एक्साइटमेंट भी है पर थोड़ा सा डर भी लग रहा है, थोड़ा नहीं काफ़ी डर लग रहा है, क्योंकि मेरे को इंजेक्शन से डर लगता है, और ये मेरे को सबसे बड़ा आज का डाउट है कि वो इंजेक्शन डोई पे लगे या हाथ पे या कहीं और, आई एम नॉट श्योर, पर थोड़ा डर लग रहा है, देखते हैं कैसा रहता है। और अलाउ किया ब्लॉक करने के लिए मेडिकल सेंटर में, ज़रूर करेंगे। इतनी सुंदर सुंदर गाड़ियाँ देख के अपना ही मन कर जाता है गाड़ी लेने का, पर ज़रूर लेंगे किसी दिन जब अकाउंट में होंगे पैसे, अभी तो फ्री में हम इलाज कर रहे हैं, जो जो चीज़ें फ्री में मिल रही हैं वो सब करा। अबाउट टू रीच द मेडिकल स्टेशन, और हट थोड़ी ज़्यादा रही है, अब जितने ज़्यादा पास आ रहे हैं ना, नर्वसनेस लग रहा है, एग्जाम देने जा रहा हूँ, पर इंजेक्शन का मामला है भाई, डर लगता है, सबको लगता है ना, जिसको नहीं लगता फौलाद, जिसको लगता है अपने जैसे। ले सकता हूँ तेरे को ब्लॉग में, नहीं रेसिपी तो नहीं खुल जाएगी डोमिनोज की, कॉपीराइट करवा।
तो अपना लड़का है, मतलब अपना नहीं है, दोस्त है अपना, मतलब समझ जाओ दोस्त है। और आऊँ खाने? पहले सुई लगवा लेता हूँ, कब तक शिफ्ट खत्म होगी? मगर होगा कोई बंदा खड़ा सो है, बस 2 मिनट में सुई लगा के आ रहा हूँ। इससे अभी मिलेंगे आगे। आ गया मेडिकल सेंटर। अब भाई सुई लगने से पहले दे जनरली टेस्ट योर ब्लड प्रेशर। अब ये ब्लड प्रेशर के टाइम पता नहीं क्यों हंसी आ गई, पर अंदर ही अंदर नर्वसनेस बिल्कुल कपड़े फाड़ चुकी थी अपने और बाहर ही निकलने वाली थी। पर अब आप बोलोगे कि लड़की को इतने गुस्से में क्यों देख रहा है, तो भाई नर्वसनेस बाहर आ गई, कपड़े बोला ना कपड़े फाड़े थे, बबाहर आ गई नर्वसनेस। लड़की ने टोटल 3 बार टेम्परेचर चेक किया क्योंकि नर्वसनेस ने बिल्कुल गर्म कर दिया था मेरा शरीर, बिल्कुल गर्म। इनकी मशीन में एक ग्लिच था, मेरे को ऑर्डर आ दिया और वो जैसे जैसे इंसुलिन तैयार कर रही थी भाई की, छोड़ो मत पूछो। बैठना है यहाँ पे, कुछ अगर नहीं होता तो जा सकते हैं, अगर कुछ अलग से नशे वशे होने लग गया इसके बाद तो इलाज और होगा, पर ऑल गुड है अभी तक तो ठीक है। 2 मिनट हुए, वैसे बताता हूँ 15 मिनट बाद क्या हाल है। 12 seconds later. आंखें कैसी हो गई भाई, ये तो पूरे नशे वाले इंजेक्शन। तो उसको सब्सक्राइब करा दिया, जो अपनी वो जिसने इंजेक्शन लगाया ना सब्सक्राइबर हो गई वो भी, और धीरे धीरे दोस्त बन रहे हैं, मतलब अलग अलग कंट्रीज से। आंखों में नशे से दिख रहे हैं पर ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ठीक है अभी तक तो सब। 5 मिनट और रुकते हैं फिर चलते हैं। बहुत फ्रेंडली लोग हैं, बहुत फ्रेंडली। 15 मिनट बाद हाल ठीक है तो उन्होंने कहा आप जाओ, पर अगर कुछ हुआ मेरे को मैं फिर आ जाऊँगा भाग के। नहीं 5 बजे तक बंद हो जाएगा, नहीं देख लें, कुछ नहीं होता, बी पॉजिटिव रहना चाहिए बरेजा साहब, बी पॉजिटिव। ये शिफ्ट में भाई फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, गलत काम हो रहा है इसका। क्या हाल है? फ़ोन पे बिजी है लड़का। मैनेजर है भाई, चलिए सब अच्छा चले। क्या हो गया? बंदी से बात कर रहा था, दिखा ना किसे बात कर रहा था, दिखा इधर। पर्सनल लाइफ। इंजेक्शन लग चुका है, ट्राइसेप के थोड़ा ऊपर शोल्डर के पास, ठीक लग रहा है। उसने 15 मिनट बिठाया, कहती कुछ होगा तो नीचे नहीं, नीचे डुई पे चलते हैं, घर चलते हैं, हो गया काम, ऊबर करेंगे अब। तो इधर टांग में कुछ दर्द सा हो रहा है, इंजेक्शन लगवाने के बाद इस वाली टांग में थोड़ा दर्द सा हो रहा है, मतलब ठीक है कि नहीं पता नहीं, छोड़ो देखी जाएगी। यहाँ के I-20 में दरवाजे ही 2 हैं, पीछे के नहीं हैं, क्या सीन है नहीं पता, जब गाड़ी लेंगे तो देखेंगे। और I-20 वगैरह दिख रही थी मेरे को, अच्छी बढ़िया मिल रही थी, पर मैं सोच रहा हूँ कोई टॉयलेट नहीं बताता नहीं, देखते हैं ना कौन सी लेंगे, जितने पैसे आएंगे जब आएंगे तो लेंगे गाड़ी, ब्लॉग में पता चलता रहेगा, क्योंकि हमें डेली ब्लॉग नहीं, मैं एक्चुअली ब्लॉग डेली कर रहा हूँ पर मैं अपलोड करने में आलस कर देता हूँ, 2-3 दिन लग गया, साथ में दर्द हो रहा है, इंजेक्शन लगा। ये ले सकते हैं, पर वही बच्चे की साइकिल भी रखी है, इस पे कर ले ऊबर। हेलमेट भी छोड़ा है बच्चे की साइकिल में, ले लूँ क्या? फनी लगेगा बहुत, इस पे व्लॉग्स बनाऊंगा जब। छोड़ो यार ज़्यादा बकवास हो रही है, अभी टाइम हो रहा है 5 बजने वाले, फिर से दुख रहा है हाथ, रुको इस फोन से, इस हाथ से पकड़ता हूँ फोन। ये अब है ऊबर का टाइम, मैं 5 से 1-2 घंटा ऊबर करूंगा, अच्छे पैसे बने, ठीक है, नहीं तो घर आ जाऊंगा खाली। आजकल ऊबर का काम बहुत बकवास हो रहा है, ठीक है, और जैसे आपने पुरानी वीडियोज में भी देखा, और मैं फिर काम ही ढूंढ रहा हूँ दूसरा। ठीक है, से भाग रहा है, वाह फनी, ये वो तो नहीं है पीकॉक, पीकॉक अलग होती है। भागी थे कैसे जा रहा, भागी उसकी जैसे डिलीवरी आ गई, चिड़िया भी पता नहीं कहाँ भाग गई, इतनी तेज उसने स्पीड पकड़ी, पता नहीं कहाँ गई, इधर कहीं गली में गई थी, उस तरफ घर में किसी के, फिर दिखेगी दिखा देंगे, यहीं रहना अपने को तो। नेचुरल ब्यूटी तो बहुत है, चिड़िया ही आपस में बात करती रहती हैं, ये वाली जा रही थी अभी किसी से बोल रही थी, वो उधर देखो किसी से बात हो रही है, या मैं चुप हो जाए यार सिर दर्द हो गया भाई, चिड़ियों को गुथ गई कहीं, अभी चिल्ला रही थी, मेरा कैमरा ऑन होते ही चुप हो गई ना, बोल रही है देखो भाई, कभी कभी सिर भी दुख जाता है इतनी चाचा पै पै सुन सुन के इनकी। ये घर भी बड़ा सुंदर है देखो, मुंह बैठ
उबेर। ये खड़ी साइकिल, अभी इसकी आपको खराब बात बताता हूँ। पहले चार्जिंग से हटाओ इसको, जिसमें जब ग्रीन लाइट हो जाती है इसका फुल चार्ज है। अभी तो तार ही नहीं लगी तो ग्रीन ही रहती है ये। यहाँ से निकालो भाई। अरे भाई निकल गई। तो इस पन्नी में क्या है? वाओ ये देखो, इसको ध्यान से देखो, ये हुआ है कुछ तो मजे की बात क्या है, मतलब फ्लैश आ रहा मुंह पे कितनी तेज। तो मजे की बात ये है कि मेरी साइकिल में वॉक असिस्ट मोड है, ठीक है। यहाँ पे मैं जैसे ये रुको, बहुत तगड़ा फ्लैश हो रहा है, तो जैसे मैंने ये दबाया माइनस तो साइकिल अपने आप चलेगी। चले देखो, और इसकी हालत देखो भाई, कितनी फुट 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 आवाज़ कर रहा है, तब से गुस्सा आ रहा है मेरे को इतना। बिल्कुल गंजा हो गया, गंजा तो नहीं है, ये तो बाहर आ रहा है। व्हाट द स्ट्रगल्स ब्रो, स्ट्रगल्स। तो भाई ये कुछ हालत है इसके टायर की, ठीक है, फट गया बिल्कुल। अभी रुको दिखाता हूँ, ऐसे ऐसे करके देखो, ये टायर बाहर आ गया बिल्कुल, इसकी ट्यूब वगैरह फट गई, ठीक है। और ये कुछ हाल हुआ था रात को, पर अपने को हो गया अच्छा खासा नुकसान। इसमें लग जाएंगे $40-50 या शायद $100, या फिर मैं खुद भी ठीक कर सकता हूँ, पता नहीं क्या। मेरा तो मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था रात को, मैं सो गया था। इसका कुछ इलाज करते हैं, और बड़ा अच्छा अच्छा दिखता है ना लाइफ में। ब्लॉगर हूँ भाई, अच्छी लाइफ चल रही है, पर मैं लिटरली सब कुछ नहीं दिखाता हूँ, क्योंकि उदास वाली चीज़ दिखाऊंगा आप भी बोर हो जाओगे। आप उदास वाली चीज़ें देखने के लिए नहीं आते हो, जितना टाइम लगाते हो 10-15 मिनट मेरी वीडियो देखने में। अच्छी चीज़ें दिखानी चाहिए और अच्छी चीज़ें देखो। तो बस मूड ऑफ हो गया था, इसलिए कल रात को मैं ब्लॉग नहीं किया। तो वीडियो अगर किसी अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कुछ अच्छी लगी बहुत अच्छी लगी सब्सक्राइब कर देना। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे हाल के साथ, एक अच्छे खुशी वाले मूड के साथ। टिल देन बाय बाय, लव यू, बॉय फ्रॉम इंडिया, लव फ्रॉम सिडनी, बॉय फ्रॉम इंडिया, प्लीज। तो मैं अभी ब्लॉग एंड करके हटाऊँ, ठीक है। और ये भी टूट गया देखो, ट्राईपॉड ये बाहर आ गया, इसके अंदर से टूट गया, ये बिल्कुल हालत ख़राब। मतलब ज़िंदगी में जब लगते हैं ना तो बेटा ऐसे दबा के लगते हैं ना, ही रोना निकल। मतलब ना जॉब है, ना काम अच्छा चल रहा है, ना मैं व्लॉग्स डाल रहा हूँ रेगुलरली, ना ये देखो सामान टूट रहा है, जो मेरा काम था वो भी टूट रहा है। मतलब नज़र लगी है लोगों की, दबा के लगी है भाई, मस्त तरीके से नज़र लगाई है लोगों ने। धूप आ रही है इसलिए आँख बंद है। ज़िंदगी और लोगों को लगता है बस ऑस्ट्रेलिया में है लड़का, तेरी किस्मत बहुत अच्छी है, तो भाई अंदर झाँक के देखो किसी की लाइफ में। ऊपर से देखने में अच्छा दिख रहा है और अंदर से बुरे हाल हो रखे भाई अपने। तो बंदी से नहीं, डोमिनोज आईटी में बात कर रहे हैं, इसका प्रिंटर ख़राब हो गया। वो बच्चे वाला प्रिंटर से रोल ही निकलता है इसमें से, वो प्रिंटर कह रहा खराब हो गया, डोमिनोज आईटी में बात कर रहा है कोई डोमिनोज वाला भाई बड़ा कोई बंदा देख रहा हूँ, कंप्लेंट करते हैं एम्प्लॉय बात कैसे कर रहा है फ़ोन पे ये